भाई अभी ये जो वीडियो है वो एक एट रैंडम वीडियो बना रहा हूँ मैं, बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जब ऐसा कुछ काम किया करो तो उस वक्त वीडियो जरूर बना लिया करो, क्योंकि अगला आदमी जो उसे देखेगा उसे भी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिलेगी, जिससे कि वो भी प्रेरणा लेकर के और आगे ऐसा काम कर सके। अभी जो मैं अभी यहाँ से आ रहा था, जब मैं अपने रूम से इधर आ रहा था, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये जो शख्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पाँव जो है एक खराब है, इनका एक पाँव सही से चलता नहीं है। और ये देखो काम क्या करते हैं, ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये वजन मशीन है जिस पर मैं ये वजन करते हैं, और एक या दो रुपये या पाँच रुपये जो भी है इनका वो चार्ज ये लेते हैं, और इसी से दिन भर में इनकी इनकम होती है 100 से 150 रुपये या 200 रुपये, और इसी से ये अपना परिवार चलाते हैं, अपने फैमिली का पालन पोषण करते हैं। मैं अभी आया, मेरे पास अभी पास में पैसे नहीं थे, मैं अभी यहाँ पर वजन करवाया, मैंने इनसे पूछा भी कि अगर मैं अभी आपके पास वजन करवाता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या वजन करोगे, उन्होंने बिना एक बार मना किए हुए मेरा वजन कर दिया। फिर मैं पेटीएम में मेरे पास बैलेंस थे, मैंने यहाँ पे दो तीन दुकान वालों से पूछा, जो मैं पेटीएम आपको कर रहा हूँ आप मेरे को कैश दे दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास अभी है ही नहीं, सुबह का टाइम है, दुकान मैंने खोला है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया पैसे। फिर मैं यहाँ से जा करके अभी अपने रूम पे गया, वहाँ से पैसे लेके आया हूँ, और अभी मैं इनसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा। आप अभी कितने दिन से ये काम करते हो? एक साल हुई। एक साल से अभी ये काम कर रहे हैं। आपका ये पाँव कितने दिन से खराब है, मतलब बचपन से? बचपन से। पहले आप कौन सा काम करते थे? पहले तो मैं गांव में रहता था। पहले ये गांव में ही रहते थे, इनका पाँव खराब है। और एक दिन में आप कितना पैसे कमा लेते हो? यही करीब 100-150 रुपए ये एक दिन में कमा लेते हैं। अगर मैं आपको अभी पूरे दिन का दे दूं तो अभी आप घर चले जाओगे? उससे क्या वो इतना मैं लेना नहीं चाहता। नहीं नहीं, वो देखो इनकी ईमानदारी देख सकते हो, ईमानदारी देखो इनकी कि ये लेना नहीं चाह रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ या मेरे पास बहुत पैसे है जो मैं ऐसे, लेकिन ऐसे शख्स को देख करके एक प्रेरणा मिलती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि ऐसा आदमी है जिसके पास पाँव नहीं है और फिर भी वो लड़ करके अपने किस्मत से और ऐसा आगे बढ़ रहा है। तो अभी उतार लो भैया, अभी आपको 150 रुपये के बदले मैं अभी दे रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा पैसे, अभी आप एक दिन के लिए घर चले जाओ। और ये देख लो इनका 150 रुपये का एक दिन का अर्निंग है, मैं इनको 800 रुपये दे रहा हूँ। मेरे पास जो भी है अभी पास में है, मैं अभी लेके आया हूँ एक बंदे से, मैं अपने रूम पे जा भी नहीं पाया, रूम से पहले ही मेरे पास जो मिले ये देख सकते हो आप, 800 रुपये हैं मेरे पास, अभी मैं इनको टोटल पैसे दे रहा हूँ। और मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप दो तीन दिन के लिए घर पे अपने जाओ और आप आराम करो, रेस्ट करो, यही हमारे तरफ से आपके लिए। अरे नहीं इनकी देखो ईमानदारी, बस मैं कह रहा हूँ देखने के लिए, आप लोग देखो कि ये कैसे मना कर रहे हैं, इनके पास मजबूरी है, पैसे नहीं है इनके पास, फिर भी आप इसको रखो, आप इसको रखो और हम लोगों को आशीर्वाद दो आप, जो हम लोग आगे बस बस चल सके, हम लोग भी हिम्मत दो, बस आपको देख करके एक हिम्मत मिलती है। लेकिन अभी आप दो दिन, आज और कल आप काम नहीं करोगे, ठीक है भैया? तो उससे दो दिन आप कम से कम अपने घर पे जाओ, आराम करो, रहो, और बस हमारी तरफ से यही आपसे विनती है सर। नहीं, आप रखो, अब जो आपको मैंने दे दिया सो दे दिया, आप रख लो। मेरे को देख सकते हो अभी ऐसे समय में किसी को 100-200 रुपए अगर ज्यादा मिलते हैं तो वो चाहता है कि मैं और भी ज्यादा लूं, लेकिन इनको ये मैं दे रहा हूँ, ये मेरे को रिटर्न कर रहे हैं पैसे, तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाए। चलो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, ये वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जब ऐसा काम करो तो एक वीडियो बना लिया करो, चैनल पे डालो, जिससे कि और भी लोग जब देखें उसे तो उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले, तो इसलिए मैंने ये बना लिया। और भैया अभी आप चले जाओ अब सीधा घर, और आप दो दिन अब घर पे अभी आराम करो, उसके बाद आप फिर, ऐसा तो नहीं है कि मैं जिंदगी भर, या कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिलेगा जो जिंदगी भर आपको चला सकता है, लेकिन एक दो दिन जो आप फैमिली के साथ, फैमिली आपका कहाँ पे है अभी? गौशाला के पास। चलो ठीक है, आप घर जाओ और झूठ मत बोलना आप मेरे से कि अब मैं कल काम करने, नहीं आप कल काम करने नहीं निकलोगे आप, ठीक है? आज और कल आप दो दिन घर पे जाओ, आराम करो, खाना पीना खाओ, मस्त रहो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आप परसों काम करने के लिए फिर निकलना, ठीक है? चलिए ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी ऐसे लोग दिखें आपको तो आप उनका मदद किया करो, हमारी तरफ से प्रार्थना है आप लोगों से। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।